यदि ऐसी योजनाएं हैं जैसे तो जो वर्तमान सरकार है तो वह किसान हित ऐसी सरकार के नाम पर जानी जाती है, तो किसानों के प्रति इस सरकार का रवैया या पिछली 18 महीने की जो कांग्रेस सरकार थी उसके रवैये में आप किसको बेहतर मानते हैं या किसको बेहतर पाते हैं? बेहतर समय पर सब ठीक थे, सरकार अपनी अपनी मेहनत कर रही है, लेकिन 18 महीने का उसका भी कार्यकाल ठीक था, पर ये फसल के बारे में थोड़ा सा पालक में कमजोरी किया है सरकार ने। और जो अब जैसे गेहूं की फसल आ चुकी है, अब गेहूं की खरीदी भी प्रारंभ हो जाएगी कुछ दिनों में, तो जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य को लेकर के किसानों के बीच में एक बड़ी मांग रही है कि समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए, और MSP की मांग एक प्रमुख मांग रही है जिसके लिए आंदोलन भी जो है तो दिल्ली में किया गया लगातार, तो MSP को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि बढ़ाई जानी चाहिए और क्या ये नियत होना चाहिए? MSP तो बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि किसान को कुछ पड़ नहीं रहा है, काम कर रहा है, भूसा समेट रहा है, गाय खिला रहा है और दाना इधर से उधर कर रहा है, उसको बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। MSP तो बढ़ना ही चाहिए पर नहीं बढ़ाई जा रही है, बोलते हैं महंगाई बढ़ जाएगी, अरे किसान कितनी महंगाई रोकेगा, हर चीज़ों में जब महंगाई है तो किसान कितना महंगाई रोकेगा। और भी कई सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं तो महंगाई तो पूरा जैसे अनाज का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है इस सरकार में, तो किसानों के लिए थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सम्मान निधि तो दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि ठीक है, किसान का सम्मान किया गया है सरकार द्वारा, लेकिन जो उसका मूल्य होना चाहिए तो हक है तो इसको उपार्जन का कहीं ना कहीं चाहे विदेश में ले जाया जाए कहीं जहां इसका रेट मिले, अब यहां बहुत कम रेट में भी बिकता है, वो लागत लगती है, ट्रैक्टर का है, लेबर का है, सभी ठेसर लागत प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, कुछ घटती जा रही है। बिजली खाद वगैरह की क्या स्थिति है, या किसानों को जो बिजली दी जाती है विशेष तौर पर जो अलग से 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे का जो नियम है, तो बिजली आप लोगों को सही तरीके से मुहैया होती है? हाँ, बिजली उपलब्ध है, नहर का यहाँ सुविधा नहीं है, बिजली है और बिजली वाले में ज़्यादा खर्च होता है, नहर में कम में खाद्यान्न तैयार हो जाता है तो उसका भी रेट है, जो बिजली से तैयार होता है तो स्टार्टर वगैरह जलते हैं, मोटर जलता है तो भी उसका वही रेट है, यही सब विसंगतियाँ हैं। और नहर की अगर हम बात करते तो इस एरिया से लगभग महुआ शासन द्वारा पर साल 35 रुपये KG खरीदा गया, तो किसानों को लगभग 90% महुआ 95% नहीं बिका, जबकि प्राइवेट जो धंधा वाले थे उनको रोका गया था, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान ना पूरा शासन खरीदारी की और व्यापारी लोग खरीद पाए, व्यापारियों को रोक दिया गया और शासन ने अपने स्तर पर भी खरीदारी इसकी नहीं की, 35 रुपये करके कहीं 10 क्विंटल किसी समिति में, किसी समिति में 25 क्विंटल खरीदा, तो उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। खरीदारी को लेकर के जो लगातार सवाल उठते हैं कि